एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन डिवा कंचन। आई एम कंचन गाइस एंड आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो वंस अगेन आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शॉपिंग हॉल करने वाली हूँ और ये मिंत्रा शॉपिंग हॉल है। एंड सेल चल रही थी और मैंने ये सभी चीजें से जो है सेल से बाय की हैं। तो इसमें एक्चुअली दो जीन्स हैं और दो टॉप हैं एंड एक पेयर ऑफ शूज हैं। एंड सभी चीजों की जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जितने भी आइटम्स हैं बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। और चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं एंड फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट गाइज, आपको पता है ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि आप लोग बताने के बावजूद वो काम नहीं करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा एंड मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो आई बॉट द फर्स्ट टॉप, दिस नियॉन क्रॉप टी शर्ट है ये, और बहुत ही इसका जो शेड है ना वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है बिकॉज ट्रेंडी है फर्स्ट थिंग। एंड जो इसका पैटर्न है क्रॉप वो मुझे बहुत पसंद है एंड प्लेन है और बस इसमें सेंटर में एक कोटेशन लिखी हुई है बस। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सोबर और बहुत ही स्टाइलिश लगता है ये पहनने के बाद। ये देखिए इसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है गाइज, अकॉर्डिंग टू समर्स बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल वाला है। आप इस पे लिखा हुआ है जस्ट अनादर डे, तो ये कोटेशन भी अच्छी है एंड मैंने इसको बाय किया है एक्सेस साइज में। गाइस विंटर्स में जो थोड़ी सी कम विंटर्स होती है ना, जैसे फैब में होती है, तो उस टाइम पे भी आप इस तरीके की टी शर्ट्स होती हैं कैरी कर सकते हो। इसके साथ में आप स्किनी फिटेड जीन्स पहन सकते हो, ऐसे जैकेट लेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छा लुक आएगा इसमें। जो जीन्स और जैकेट दोनों का कलर अगर आप ब्लैक में रखना या फिर आप ब्लू लेते हो तो दोनों ही चीजें सिमिलर कलर में लेना और अंदर इस क्रॉप टी शर्ट को आप वेयर करना, बहुत अच्छा लुक निकल कर आएगा। और शूज पहनना, स्नीकर्स वगैरह या फिर आप पंप्स वगैरह भी पहन सकते हो। तो टी शर्ट है ये जिंजर वाइल्ड लाइफ स्टाइल ब्रांड से है एंड इसका जो मल्टी कलर टाइन डाई डाइड टी शर्ट है ये भी क्रॉप्ड पैटर्न में ही है। इसमें भी ये जो देख रहे हो आप सेंटर में एक ब्लैक कलर से कोटेशन लिखी हुई है, भी बहुत ही प्यारी है। कॉटन इसका मटेरियल है तो ये भी बहुत ही मतलब समर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल वाला फैब्रिक है। ये भी देखिए स्लीव्स कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये स्लीव्स मिल जाएंगी, राउंड नेक मिल जाता है और कलरफुल है। आप इस तरीके के कलर समर्स में तो बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं और आप इसको विंटर में अगर अंदर पहनना चाहते हो तो डेफिनेटली कैरी कर सकते हो, ऊपर से आप इसमें लेयरिंग कर सकते हो। ब्लू जॉगर हाई राइज क्लीन लुक क्रॉप जीन्स है ये, देखिए कुछ इस तरीके से जॉगर स्टाइल वाली ये जीन्स है। नीचे आपको यहाँ पे ये इलास्टिक वाला पैटर्न ये देखिए मिल जाएगा, तो इस तरीके से आएगा ये देखिए। इसमें आपको बोथ जो वेस्ट लाइन होती है ना बोथ साइड में इलास्टिक वाला पैटर्न है ये देखिए, आगे भी और पीछे भी। एंड इसमें आपको फ्रंट साइड में कुछ इस तरीके से पॉकेट्स मिल जाएंगी दो, और ये पॉकेट्स हैं इनका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला पैटर्न, बहुत ही प्यारा लगा। एंड इसमें आपको वन बटन क्लोजर मिल जाएगा, एक जिप मिल जाएगी और इसके बैक साइड में कोई भी पॉकेट नहीं है। एंड ये भी सस फराज ब्रांड से है और बहुत अफोर्डेबल है एंड कॉटन में है, इसका जो मटेरियल है कॉटन है एंड स्ट्रेचेबल नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। और ये जीन्स मैंने 26 में साइज में ली है, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग अपने अकॉर्डिंग मंगाइएगा। वैसे तो इसमें इलास्टिकेटेड वाला पैटर्न है तो अगर थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा आपको, मतलब आ जाएगा अच्छे से फिट। इसका जो फिट है वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत कंफर्टेबल वाली जीन्स लगी, बहुत अच्छी है और समर्स के लिए तो बेस्ट है।
कलर में मैंने जीन्स परचेज की है, मैंने एक बॉयफ्रेंड जीन्स मंगाई है और ये ब्लैक शेड में है और ये देखिए कुछ इस तरीके से है। पेरिस हैमिल्टन इसका ब्रांड है। इसमें भी आपको फ्रंट साइड में दो पॉकेट मिल जाएंगी, सॉरी दो नहीं तीन, ये जो स्मॉल वाली होती है ना ये भी है, तो इसमें आपको 3 पॉकेट्स फ्रंट साइड में, 2 बैक साइड में और 1 बटन क्लोजर एंड जिप मिल जानी है। और इस पे कंट्रास्ट जो गोल्डन येलो कलर होता है ना उस थ्रेड से इसमें स्टिचिंग की हुई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। इसको थोड़ा सा और भी ज्यादा शीक लुक मिल जाता है। ये वाली जो स्टिचिंग होती है मुझे जीन्स में डेनिम वगैरह में बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज जो मेरा नेक्स्ट आइटम है वो है ये फुटवेयर्स और ये शी जोन ब्रांड के, ये देखिए शी जोन लिखा हुआ है इस पे। ये मैंने लिए हैं ब्लू शेड में है, ये इस तरीके के पॉम्स हैं और ये ब्लू शेड में है। इसकी हील गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगी, ट्रांसपेरेंट ग्लास पैटर्न का कुछ है ये बना हुआ। तो ये देखिए मैं इसमें अपना जो साइज है 35 लिया है, तो सारा सब कुछ वैसे दे रखा होता है, मेजरमेंट वगैरह साइज चार्ट वगैरह वहां दे रखा होता है। आपको आइडिया नहीं है कि हमें कौन सा साइज मंगाना है तो आप वहां जाके साइज चार्ट में देख सकते हो कि किस तरीके से आपको मेजरमेंट लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर करना है। तो ये वाला शेड मेरे पास नहीं था, सिंपल है वेलवेट, इसके ऊपर जो ये मटेरियल है ये वेलवेट में है क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इन है कपड़ों में भी और शूज वगैरह हर चीज में आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। और शेड इसका बहुत प्यारा है और जीन्स वगैरह सभी पे ये बहुत अच्छे से जाएंगे। इसकी जो हील है ना ये इसका साइज 3 इंच हील आपको मिल जाएगी इसमें। आप इसको क्लीन करने के लिए वाइप वगैरह से क्लीन कर सकते हो, सूखे कपड़े से पोंछ सकते हो अगर ये गंदा होता है तो, ठीक है इसको गीला नहीं करना है। और इस तरीके के पॉम्स आप ऑफिस वगैरह में कैरी कर सकते हो अगर आप वर्किंग हो तो, या फिर आप कहीं पे कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हो तो वहाँ पे इस तरीके के शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी स्मार्ट लुक आता है इन शूज़ के साथ में। मुझे ये शूज़ बहुत अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे और शीक लुक आता है, शेड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्राइस जिस प्राइस पे ये मुझे मिल गए हैं वो प्राइस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल मतलब अभी मैंने जितनी भी शॉपिंग की है वो सारी काफ़ी अफोर्डेबल वाली शॉपिंग है। छोटी सी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की और आई होप आपको आज का ये शॉपिंग हॉल अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। एंड मिलती हूँ आपसे अपनी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है और जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।